किसी ने क्या खूब लिखा है ना, कि क्या लिखूं मैं उस माँ के लिए, मुझे तो खुद माँ ने लिखा है। मदर्स डे है, ऐसे में कुछ लिखने का ट्राई किया है कि जब जब मैं फोन पर लगा रहता हूं और उधर दाल जल जाती है, जब जब सुबह ना उठ पाने की वजह से ऑफिस के लिए देर हो जाती है, जब जब जिंदगी की मुश्किलों से हिम्मत टूट सी जाती है, तो मां तेरी बड़ी याद आती है। किचन से लेकर के हमें स्कूल के लिए तैयार करने तक तू सब कुछ फटाफट कर लेती थी, और इस सब के बीच में हमारे बेवकूफ सवालों के जवाब भी प्यार से मुस्कुरा के देती थी। तूने अपनी पूरी उम्र बिता दी हमारे लिए, ये बात आजकल मुझे बड़ी सताती है। हाँ मां, कभी कभी तेरी बड़ी याद आती है। दादी के ताने, दादा के लेक्चर, सब कुछ तूने चुपचाप सहे हैं। उस घूंघट के पीछे से शायद तेरे आंसू भी बहुत बहे हैं। पापा की टाई संभालने से लेकर के हमें सीधे जूते पहनाने तक सब कुछ किया। अरे तुमने तो एक अनजान फैमिली से पूरी जिंदगी भर का नाता जोड़ लिया। तूने सब सिखाया, बस एक चीज की कमी रह गई, और ये बात हमने दुनिया से कही, सिर्फ तुझसे कहनी रह गई। प्यार तुझे बेशुमार करता हूं, पर शायद कभी बोल नहीं पाऊंगा। देख, ये कहते कहते तो मेरी आंखें भी बह गई। तेरी सिंपल रोटी के आगे 5-स्टार की डिश भी कहां भाती है। हां मां, कभी कभी तेरी बड़ी याद आती है। हैप्पी मदर्स डे।